श्री वासुदेव देवनानी जी जो है वो देवयानी जी निर्वाचित हुए सर्वसम्मति से, हम सब ने उनको बधाई दी है और उनसे ये आशा की है कि आप सब लोगों को समान दृष्टि से देख करके राजस्थान की जनता के जो मुद्दे हैं, वो जो विधायक जीत करके आए हैं, वो जो मुद्दे उठाएंगे उनको उठाने का पूरा अवसर प्रदान करें और उनके समाधान के लिए सरकार को निर्देशित करें। मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष हमेशा जो भी मुद्दे उठाता है उसमें ये परंपरा रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष उनका पूरा उनको सपोर्ट करते हैं, पूरा उनका गार्जियनशिप करते हैं, उनको अवसर देते हैं। तो हमने भी देवयानी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ, इसलिए मैं कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको देख करके उसमें मार्क्स दूंगा, न कि मैं विद्यार्थी का नाम देख करके। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और हमें पूरा विश्वास है, हम उनको पुनः शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन को भलीभांति तरीके से विपक्ष को बराबर अवसर दे करके उसको कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। डॉक्टर साहब, जो बीजेपी विधायकों ने जो संसद का मामला है उसको पुतला पुकारा राहुल गांधी जी का, ये तो उल्टे उल्टे काम करेंगे भैया। हाँ, सुलटे काम तो इनसे, इनकी बीजेपी से और केंद्र सरकार से होने ही नहीं। आप एक बात बताइए, एक सुरक्षा में चूक हुई और किस प्रकार से सेंध मारी गई, कैसे लोग वहाँ पर घुस गए और जो अफरा तफरी का माहौल हुआ, भय का जो वातावरण हुआ, उसमें अगर वहाँ के एमपीज ये नहीं पूछ सकते कि ये क्यों हुआ, इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आगे ये नहीं हो इसके लिए हमें आश्वस्त कीजिए, तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? अब इसके बावजूद इनको तो देखो राहुल गांधी दिख रहा है, राहुल गांधी से इतने भयग्रस्त हैं ये लोग बाग कि आने वाले समय में आप देखना इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये तानाशाह सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, ये जितनी भी परंपराएं हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। नई संसद में जिस प्रकार का ये जो वाकया हुआ, दुर्घटना घटी, अगर उसके ऊपर हमारे वहाँ के एमपीज सवाल नहीं उठा सकते, पूछ नहीं सकते, अपनी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? आप बताइए, प्रजातंत्र कहाँ रह गया? बोलने का अवसर खत्म कर दिया, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती। 142-143 एमपीज को बाहर निकालना, पीछे से बिल लाना, उन बिल को पारित कराना, ये लोकतंत्र का एक तरीके से मजाक है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हमारे तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों की तरफ से हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया है कि इस प्रजातंत्र को आप ख़त्म ना करें, लोकतंत्र को मजाक ना बनाएं। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि एमपीज हैं, चाहे एमएलएज हैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसको पूरा अवसर प्रदान करें। ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो अभी नहीं हो रही। किसने फेंका? एक अज्ञात युवक ने फेंका, सामने आई है। गलत बात है, रिक्शे वाला था, गलत बात है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की ओछी हरकत अगर करता है कि जूता फेंक रहा है या कोई दूसरी चीज फेंक रहा है, तो ये तो निंदनीय है। हो सकता है बीजेपी का कार्यकर्ता या किसका, मैं नहीं कहता इसके ऊपर, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। लेकिन जिस किसी ने भी किया होगा, ये जूता फेंकने का काम जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत गलत है, निंदनीय है। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं क्योंकि ये पवित्र मंदिर है हमारा और जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, उनके समाधान के लिए हमको यहाँ भेजा गया है और उसी काम में, उसी के काम में आना चाहिए।